So, in this video, I am going to discuss a short story which is written by O. Henry and his full name is William Sidney Porter. And the title of the story is The Last Leaf, and the video is going to be for BA First Semester students. And here we will discuss only unit number 4 of BA First Sam English. So, let's start the video. Uh, before coming up to the summary, we will discuss about the characters. So, mainly there are only two characters, two main and important characters, which is Sui and John C. So, these both girls are the young artist and there is another character in the story which is Beherman. So, what is the role of Beherman in the story? We will uh, talk about it later. First of all, we will see few uh, important like topics or important MCQs from this poem, short story. So, the last leaf is a short story which is written by O. Henry and it was published in 1907. Okay. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दी कैरेक्टर्स सो द लास्ट लीव इज़ अ स्टोरी ऑफ जॉन्सी एंड अ पुअर यंग वुमेन हु इज़ क्रिटिकली इल ड्यू टू निमोनिया तो हमने बात की यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास सूई एंड जॉन्सी जो कि दोनों मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक ही अपार्टमेंट में ही रहती हैं और दोनों ही एक यंग आर्टिस्ट हैं और दोनों का ही यहाँ पर ड्रीम है कि वो एक मास्टर बीस बनाना चाहती हैं बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह होती है जो जॉन्सी है वो निमोनिया की वजह से बीमार हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा एंड मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर निमोनिया नहीं है प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी uh, जो होप्स हैं वो धीरे धीरे उनको खोती जा रही है उसको लगता है कि अब वो कभी भी निमोनिया से बाहर नहीं आ पाएगी तो uh, डॉक्टर और सुई यहाँ पे ट्राई करते हैं कि निमोनिया के लिए तो मेडिसन्स हो सकती हैं बट डिप्रेशन के लिए कोई भी मेडिसन्स वर्क नहीं करेगी एंड शी बिलीव दैट द आई वाइन ऑन द वॉल आउटसाइड हर विंडो वुड लूज ऑल इट्स लीव्स शी वुड डाई टू तो देखिए जब जॉन्सी बीमार हो जाती है तो वो हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती है और विंडो के बाहर वो जब भी देखती है तो वहाँ पे वो हमेशा पत्तियों को गिरते हुए देखती है तो उसने डिसाइड किया था कि जब इस ट्री की मतलब जिस ट्री को वो अपने विंडो के बाहर से देखा करती थी कि जब उस ट्री की लास्ट लीफ गिरेगी उसी दिन मेरी लाइफ का भी एंड हो जाएगा तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसी वजह से इस शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या रखा गया है लास्ट लीव रखा है और यहाँ पर इसी फ्लैट में जो उनका नेबर रहता है बहरमान वो भी एक आर्टिस्ट है अब देखिए उसका क्या रोल रहता है या क्या उसने चीज़ें की जिसकी वजह से जो जॉन्सी है वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाती है तो आगे देखते हैं हम इसकी सामरी में तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं सुयन जॉन्सी जो कि एक छोटे से फ़्लैट में रहते हैं और दोनों ही आर्टिस्ट हैं जो कि थर्ड फ्लोर पर, पर रहती हैं और जो बहरमान है वो उस सेम हाउस में रहता है किसी दूसरे फ्लोर पे। सो जॉन्सी फैल क्रिटिकली इल इन नवंबर नवंबर में जॉन्सी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको निमोनिया हो जाता है और जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाती है मतलब तो बहुत ज़्यादा ही उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती हैं तो ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस वो अपना आर्ट वर्क अपने ड्रीम्स को आगे कैरी नहीं कर पाती है अब फुल टाइम वो क्या करती थी वो सिर्फ अपने बेड पर रह करके विंडो के बाहर देखती रहती थी अब उसकी जो फ्रेंड सूई है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी जॉनसी की तबीयत को लेकर के तो इसलिए उसने डॉक्टर को भी बुलाया इवन डॉक्टर हर दिन आता था जॉनसी को देखने के लिए बट लेकिन उसकी कंडीशंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी तो वन डे डॉक्टर्स सेड और डॉक्टर कन्फर्म दॉन्सी वॉज नॉट विलिंग टू लीव मीन्स यहाँ पर डॉक्टर ने uh, सुई को बताया कि जो जॉन्सी है वो जीना ही नहीं चाहते मतलब उसकी जीने की इच्छा नहीं है तो एज अ रिजल्ट द मेडिसन्स वर इन इफेक्टिव टू क्योर हर इल हेल्थ तो इसी रीज़न की वजह से अब कोई भी मेडिसिन उस पर वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसके आगे जीने की इच्छा नहीं है और इस वजह से उसकी uh, जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है अब यहाँ पर जौनसी की जो फ्रेंड है सुई है वो पूरी पूरी कोशिशें करती है किस तरीके से उसकी हालत में सुधार लाया जाए और किस तरीके से मतलब उसको हेल्प की जाए कि वो इस डिप्रेशन से बाहर आ सके तो जो सुई है वो जो जॉन्सी का रूम है उसी में अपना पेंटिंग बोर्ड रखती है और अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर देती है और कोशिश करती है कि काफ़ी टाइम मैं इसके साथ स्पेंड करूँ इससे बातचीत करूँ या जानने की कोशिश करूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से वो अब जीना नहीं चाहते वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है अब उसी टाइम पे सुई ने सुना कि जो जॉन्सी है वो कुछ विस्पर कर रही है तो उसने ध्यान देने की कोशिश की और जॉन्सी से पूछने की कोशिश की तो उसको पता चलता है कि वो बेड पर लेट कर बाहर से उस विंडो के बाहर से जो गिरने वाले पत्ते हैं जो लीव्स गिरती रहती हैं उनके नंबर को काउंट करती रहती है तो यहाँ पर जॉन्सी उसको बताती है कि उसने देखा है कि पिछले तीन दिनों में यहाँ पर लगभग सौ से लेकर मतलब तो नंबर जो है वो सौ से लेकर पाँच तक आ चुका है कि इतने ज़्यादा नंबर में यहाँ पर इतने रेशों में पत्तियाँ गिर रही हैं कि सिर्फ़ पाँच पत्तियाँ बची हैं और वो कहती है कि जैसे ही आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा उसी दिन वो मर जाएगी फिर जॉन्सी ने सू से कहा कि देखो जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं इसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ और बात यह है कि वो पर्दा नहीं खींच सकते मतलब वो नहीं चाहती थी कि विंडो पे पर्दा रहे तो अब जो जॉन्सी है मतलब जो जॉन्सी है उसने डिसाइड कर लिया है कि जब लास्ट लीफ गिरेगी उसी दिन उसकी डेथ होगी तो वो चाहती है कि विंडोज़ को कवर ना किया जाए कि पूरे टाइम वो उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देख सके अब यहाँ पर जो सुई है वो जॉन्सी को समझाने की कोशिश करती है कि उसको अपनी फ्रेंड के लिए जीना होगा एटलीस्ट अपने ड्रीम्स के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए उसको सर्वाइव करना होगा बट जॉन्सी वॉज शॉर्ट दैट शी वुड डाई एज सून एज द लास्ट लीव फॉल बिकॉज जॉन्सी डिसाइड कर चुकी है कि जैसे ही लास्ट लीव गिरेगी उसकी लाइफ का भी वो डे लास्ट होगा बट शी एट दैट शी वुड स्लीप आफ्टर द लास्ट लीव फॉल्स एंड वुड स्लीप फॉर मतलब जब वो लास्ट लीव गिरेगी उसके बाद जो जॉन्सी है वो सो जाएगी और हमेशा के लिए सो जाएगी अब सुई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी कंडीशन को देख ही और काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है तो तभी वो ग्राउंड फ्लोर पर जाती है और वो वहाँ पर मिलती है एक सिक्स ईयर ओल्ड पेंटर से सॉरी सिक्सटीन ईयर ओल्ड पेंटर है यहाँ पर जिसका नेम है बहरमान तो देखिए बहरमान का भी सपना था कि वो अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक मास्टरपीस क्रिएट कर सके बट उसका जो ये ड्रीम है ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो सुई बताती है कि उसकी जो फ्रेंड है उसकी कंडीशन कैसी है बहरवान को उसने सारी चीज़ें बताईं सी शी रिफ्यूज टू ईट एंड कंटिन्यूसली लुकड आउटसाइड विंडो अब बहरमान कहता है कि अगर उसको निमोनिया है कंटिन्यूसली वो दवाइयाँ ले रही है तो क्यों वो ठीक नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर फिर सुई ने उस बहरमान को बताया कि ना तो वो कुछ भी खाना चाहती है मतलब खाने को तो कम्प्लीटली वो हमेशा रिफ्यूज़ ही करती रहती है और कंटिन्यूसली वो अपने विंडो के बाहर देखती रहती है बिकॉज उसने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि लास्ट लीव जैसे ही गिरेगी वैसे ही उसकी लाइफ का भी एंड होगा अब बहरमान ने यहाँ से डिसाइड ये किया दैट शी सॉरी ही विल पेंट दी लास्ट लीव और ही विल पेंट अ लीव जॉन्सी वोकअप द नेक्स्ट मॉर्निंग टू हर सरप्राइज द लास्ट लीव सर्वाइव द स्टॉम एंड इट वॉज क्लिंगिंग टू द क्रीपर्स इट सर्वाइव अटॉम इन द इवनिंग टू अब नेक्स्ट डे जब जॉन्सी उठती है बिकॉज उसको पता था कि अभी विंडो के बाहर से पाँच या कुछ गिनी चुनी पत्तियाँ बची हैं तो अब मैं जब नेक्स्ट डे उठूंगी तो मुझे वहाँ पर एक ही लीव मिलेगी और वो भी तूफान में काफ़ी लंबे टाइम सॉरी काफ़ी लंबे टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो भी इस टाइम पर गिर चुकी होगी बट जैसे ही जॉनसी ने उठ के अपने विंडो की तरफ देखा उसको वो लास्ट लीफ वहाँ पर नज़र आती है तो पहले वो मतलब इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पाती है कि इतने स्ट्रॉन्ग के बाद उस लास्ट लीफ को गिर जाना चाहिए था बट वो लास्ट लीफ अभी भी वहाँ पर है तो इस इंसिडेंट के बाद जॉन्सी यहाँ पर डिसाइड करती है कि जब इतने स्ट्रॉन्ग के बाद इतनी प्रॉब्लम्स के बाद वो 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 लास्ट लीव वहाँ पर टिकी हुई है वो अभी भी अपनी प्लेस को नहीं छोड़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ कि मैं अपनी कंडीशंस को अपने हेल्थ कंडीशन से ओवरकम नहीं करना चाहती हूँ तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपोलाई वो फील करती है और अपनी फ्रेंड को भी वो इस चीज़ के लिए बताती है कि हाँ अपने डिप्रेशन के लिए कहीं ना कहीं वो ख़ुद ही रिस्पॉन्सिबल थी और उसका ये सब सोचना कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी या लास्ट लीव के साथ ही मेरी लाइफ का भी एंड होगा ये सारी चीज़ें गलत थी तो अब यहाँ पर जो जो जॉन्सी है और सुई है वो बैठ कर के बातचीत करते हैं और सुई ने जॉन्सी के लिए सूप वगैरह बनाया उसके हेयर को कॉम किया और फिर से उसके अंदर जीने की इच्छा आ जाती है अब उसी दिन डॉक्टर आता है जॉन्सी को देखने के लिए और वो बताता है कि अब उसकी हेल्थ में उसके हेल्थ कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है अब जब उसकी हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव हो जाती हैं तो सुई जाती है बहरमान को देखने के लिए बट उसको पता चलता है कि जो बहरमान है वो भी दो दिन से बीमार है और उसकी डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से अब देखिए उसकी डेथ का रीजन जो होता है वो ये होता है कि वो चाहता था कि जो जॉन्सी है वो ओवरकम कर सके और जो लास्ट लीफ है वो कभी ना गिरे तो इसलिए वो इतनी ठंड में भी क्या करता है पूरी रात वो वहां बैठकर एक सॉरी एक लीफ ड्रॉ करने की कोशिश करता है और उसने उस लीफ को कुछ इतना अच्छा कुछ इतना रियलिस्टिक लुक दिया कि वो विंडो के बाहर उसको काफ मतलब देख पाना और ये पहचान कर पाना कि वो जो लीफ है वो एक पेंटिंग है या वो एक एक्चुअल लीफ है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था तो एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग उसने ड्रा की बट उस ठंड में ड्रा करने की वजह से वो पेंटिंग की वजह से उसको निमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है अब ये न्यूज जाकर सुई ने फिर जॉन्सी को बताई और जैसे ही उसको पता चलता है कि जो लास्ट लीफ है जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई है वो लीफ एक्चुअल में एक पेंटिंग है जिसको बहरमान ने ड्रा किया था तो ये बहरमान का एक मास्टर था वो हमेशा से एक मास्टर पीस ड्रा करना चाहता था बट उसका यह अटैम्प्ट उसकी लाइफ के एंड के साथ ही कम्प्लीट हो पाता है तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको इस वीडियो की या किसी भी किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी सारी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दिस, बॉक्स में मिल जाएगा या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा